तो दोस्तों मैं आज यहाँ पर रेलवे के जो क्वार्टर्स हैं जयपुर में रेलवे स्टेशन के पास में, वहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, तो उनके वहाँ आना हुआ, तो वहाँ पे उनके कैसे वो लोग रहते हैं, कैसे रेलवे के क्वार्टर्स होते हैं, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था। इसीलिए मेरे दिमाग में आया और मैंने उनसे निवेदन किया कि चलो आपके यहाँ के क्वार्टर का भी मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, और उनके दादाजी से मुलाकात हुई। साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे मित्र थे वो एक अधिकारी के पोस्ट पर यहाँ है, और काफ़ी बड़ा ये घर मिलता है, और जिसको बंगले के रूप में कहा जाता है, जिसमें 2 BHK या 3 BHK होते हैं, 4 BHK होते हैं, और पीछे का पोर्शन काफ़ी खाली होता है। सबसे और दूसरी एक अच्छी बात यहाँ पे कि यहाँ रेलवे क्वार्टर उसी तरह से आर्मी की तरह जैसे पूरा ग्रीनरी होती है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध होता है। तो आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, देखो कैसे यहाँ सब्जी भी इन्होंने लगा रखी है, साथ साथ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, और ये मकान जो है वो पुराने ज़माने के उस टाइम के बने पत्थरों के, तो आज तक ये बिल्कुल सेफ है, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। और एक और आप देखोगे रेलवे में जैसे ये झूला है, तो जो रेल्स वो की पटरियाँ होती है, रेल जिनको हम बोलते हैं ट्रेल या रेल, उन्हीं से झूला बनाया है, तो ये भी एक आर्ट ऑफ पीपल की तरह है आपका। स्टॉप कर लो। अब हम दादाजी से पूछना चाहेंगे कि वो इस 90 की उम्र में भी अपने आप को इतना स्वस्थ कैसे रखते हैं, तो आप अब बताएं। आज मैं एक तो मिठाई नहीं खाता हूँ। अच्छा। हाँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। 5 बजे, ठीक। फिर क्या करते हैं? फिर पूजा पाठ करता हूँ, देखो रामायण भी पढ़ता हूँ। हाँ। गीता भी पढ़ता हूँ। हाँ। भजन भी पढ़ता हूँ। नहीं, शरीर के लिए क्या करते हैं? व्यायाम करता हूँ। अच्छा, व्यायाम करते हो। हाँ। खाने में क्या खाते हैं? रोटी साग ही खाता हूँ। अच्छा, और फ्रूट वगैरह भी लेते हैं? फ्रूट देखो दे देते हैं तो खा लेता हूँ, नहीं देता हूँ तो मैं चिंता नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं तो फ्रूट दांत सही है क्या आपके? सामने दांत है, जाड़ दांत उपड़ाए हुए हैं। अच्छा, जाड़ दांत उपड़ाए हुए, जाड़। तो आप रोटी में दिक्कत नहीं होती? रोटी खा लेते हो? हाँ, रोटी खा लेता हूँ। अच्छा, दलिया वलिया तो खैर बढ़िया लगता ही होगा? दलिया भी खाता हूँ, एक टाइम देते हैं। अच्छा, और कोई स्वास्थ्य में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है आपको? मामूली बीपी है, जब बीपी की गोली नहीं लेता हूँ तो नींद नहीं आती है। अच्छा, ये बात। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं मेरे जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप भी एक स्वस्थ दिनचर्या रखें, और देखिए दादाजी की तरह 90 साल के होके मरिए, कम से कम 90-100 साल तक जिए। आप ऐसा मत सोचो, बहुत छोटी उम्र है। हाथी ची लौड़ा जारे कागा कपड़ा धोरिया रखिर काट चढ़ सखे चे ताल गदा नाच है उड़ी आग जा जल में लागे मूसा देख बिलाये भागे कीड़ी पकड़ भैंस को खागे हड़ हाड़ी ने बोरिया अरे बिना पढ़ा कथा बाँच है ते ताल गदा नाच है बाग जाय सींचे माली को ताला नित खोले ताली को बकरी जा पकड़े लाली को बुगला बोरी डोरिया अरे बिना पढ़ा कथा बाँच है ते ताल गदा नाच है हर नारायण निर्गुण बाणी समझ गया जो पंडित ज्ञानी चिड़िया तज बाज काने खड़ा शिकारी रोरिया अरे बिना बात शोर माच है काया का भजन है। काया का भजन है। रेल से बताइए अभी लोहे के चीजें बनने वाली। हाँ। रेल तार मोटर टैंक आलसा इकल भाई जहाज पेन छुरी कैचे चाकू तलवार बाट हथौड़े इत्यादि चीजें बनाई जाती है। क्यों डूब गया अभिमान में नरत खोट जिगर का रावण था बलकारी भूप राक्षसों का सरदार इंद्र था है जूर जाके देवता बीता बेदार मेघनाथ कुंभकर्ण बड़े थे बलकारी माया का उस्ताद पूरा कई रूप धार ले दसों शीर्ष रखे कदे दसों को उतार ले माया का भोलावा दे के सेना को संहार ले अरे जो पूरा थर वरदान में कट गया शीर्ष असुर का संगीत रयाना घमंड दुर्योधन अभिमानी को भारत में खपा दिया वीर विषम बल्यवान हो कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण से दानी को चंदेरी का भोप सुना होगा शिशुपाल बहुत बढ़िया सूर वीर साथ लेके कुंदना पर मैं आया चार
ऐसा ना किया लेके आशीष भी राजे काल कसर रही ना रहे उत्पात में कर लिया काम फिकर का तोड़ो है। संगीत सुना होगा देगी हिरणा कुछ भगवान ऐसा रहा जब गुंजे धरती और आसमान भक्तों का विरोधी था बड़ा ये घमंडी जान हाथ में खड़ंग लेके बोले था प्रहलाद को राम का तू नाम छोड़ दे त्याग दे विवाद को सूर्य पे चढ़ा दिया सौंप दिया जलाद को अरे जागे तेग रह गई मान में तन फाड़ दिया निस्तर का। संगीत बहुत बढ़िया। कंस का निर्वंश किया बाणासुर का किया बात बाणासुर का किया नाश पाले भी बेचारे जका पंपापुर का खोया बात भस्मासुर को भस्म किया जिंदगी की तोड़ी आस बड़े बड़े भूपते डूब गए करड़ाई में बोझ तो मिले गिरवाए देख लो नरमाए सच्चा धन वो ही है मिले गे भलाई में जिज हर नारायण धन धर लो फल मीठा होगा सबर का। देखो दादा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि नरमाई में ही सब कुछ है, आप जितना नरम रहेंगे उतना बढ़िया रहेंगे। और एक और मैं दोस्तों बात बताना चाहूँगा कि इस उम्र में 90 साल की उम्र में भी इनको दिखता आंखों से और अपने खुद जवान से ये आपको सारे गीत भजन और संगीत सुनाए, तो ये एक आज के नवयुवक को स्पेशल मैं कहना चाहूँगा, वो एक सीखने वाली बात है कि वो अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें रखें अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है, अगर शरीर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी उम्मीद के साथ, और आप कुछ जो नया देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो प्लीज़ आप मेरे लिए और आज ये चौधरी साहब के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पीछे जो देख रहे होंगे ये गैराज भी है, तो गैराज भी देखो उस ज़माने का बना होता है, और ये बड़ा ये मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन देख के बड़ा अच्छा लगा, तो यहाँ की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है। और दूसरा पड़ोस के जो मकान होते हैं उनके बीच में भी रेलवे का जो डिवाइडेशन पार्टीशन होता है वही लगाया जाता है, तो यानी आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं रेलवे की फीलिंग दी जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।